So, Nusrat, what do you want to say? Today is a Women's Day, and how much proud to be part of this event, and कितना अच्छा लग रहा है? आई थिंक आज वुमेंस डे है या नहीं है वो मेरे लिए मैटर नहीं करता. मेरे लिए क्या मैटर करता है कि यहाँ जितनी लड़कियाँ आई हैं वो बहुत एम्पावर्ड फील कर रही है, आज भी कल भी. वो मार्शल आर्ट सीख रही है, वो यहाँ आके हमसे बातें कर रही है. इशिता है, सर है जिन्होंने इन सबको रिसोर्सेज दिए हैं कि वो और कुछ लाइफ में कर पाए. तो आज के दिन सिर्फ उठ के बोलना आई डोंट थिंक हाईलाइट है. मेरे लिए ये हाईलाइट है कि वो रोज़ ये बोल पाएंगे कि हमने आज कुछ किया, या मैं आज उठ के मार्शल आर्ट सीखने गई जो कुछ टाइम पहले हमें अलाउड ही नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं था ये करना है. एंड वन ऑफ द एक्टर्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाट इज़ द राइट टच, व्हाट इज़ द रॉन्ग टच, आपको ये समझ कैसे आएगा, राइट? आप बच्चे हो, आपको कौन बताएगा कि ये गलत था या ये सही था? तो आप में जो वो एक स्ट्रेंथ आती है ना फिजिकली, फिर आपको वो मेंटली भी आपको प्रिपेयर करता है. तो आई थिंक दैट स्ट्रेंथ ऑन एन एवरीडे बेसिस इज़ अ ग्रेट थिंग टू गेट अप एंड गो टू. तो फॉर मी दैट्स वाई दिस इनिशिएटिव इज़ ग्रेट, बिकॉज ये एक दिन की बात नहीं, ये रोज़ करेंगे ये लोग. Well, it's very important that women are empowered, not only for me, but for the society, for our city, for the entire country. Because if women don't get empowered, I don't see this, you know, any country growing very far. So hence, yes, it is important for all of us that women are empowered as much as we are. Yes, I would be very honored, very privileged if I get a chance to be with Mukkamar throughout my life. If you want to change one thing for the women in this country, or the Bollywood film or TV industry, what would be there? To change for women? For one thing. यार यू नो, अगर बोलने जाओ ना तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आप आगे बढ़ के बात कर सकते हो. बहुत सारे हैं. नो मीन्स नो, क्लीन टॉयलेट्स, एजुकेशन. मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि जो भी है आपका एक थॉट बदलना चाहिए टुवर्ड्स अ गर्ल एंड अ वुमेन इज़ रिस्पेक्ट. कि अगर वो मार्शल आर्ट्स करना चाहती है तो उसे रिस्पेक्ट दो कि वो करना चाहती है. अगर वो ये कपड़े पहनना चाहती है तो उसे रिस्पेक्ट दो कि कपड़े पहनना चाहती है. अगर वो इस बात पे अग्री नहीं करती तो उसे रिस्पेक्ट दो कि हाँ भाई तुम अपनी ओपिनियन आगे रखो. तो वो कुछ भी करना चाहे, मान लो वो शादी ना करना चाहे या उसे बच्चे नहीं पैदा, यू नो, वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू, आई थिंक द बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ कि उसकी थॉट और इच्छा को रिस्पेक्ट करो एंड लेट हर डू वॉट शी वॉन्ट्स टू डू. ये मैं एक थॉट एज अ होल सोसाइटी इनकलकेट करना चाहती हूँ कि वी आर पीपल, वी हैव आर ओन माइंड. इफ़ यू कैन जस्ट रिस्पेक्ट दैट, बाकी बहुत सारी चीज़ें अपने आप बदल जाएगी. सो ऐसी कोई इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ जो आपको याद दिलाता हो, या फिर मार्शल आर्ट आना चाहिए? हाँ यार, ईव टीजिंग तो बहुत हुई है. मतलब जो बेफिक्रेपन से मैं अपने रास्ते पे चलती थी घर के, कि मैं एक वॉक पे जाऊँ या बाहर निकलूँ, अब मुझे 10 बार सोचना पड़ता है. बिकॉज रिक्शा से लोग सीटियाँ मारते हैं, चीज़ें बुलाते हैं. इट्स मतलब कर तो कुछ नहीं रहे बट टीज तो कर रहे हैं ना. तो आपको मन करता ना कि एक पत्थर उठा के मारूँ क्या मैं तुझे उल्टा, बट वो कर नहीं पाओगे बिकॉज फिर फिजिकली वो हमें शायद एम्पावर कर पाए. तो तब लगता है कि अगर वो कुछ करने आए भी तो वी शुड बी एबल टू ब्लॉक देम और थ्रो बैक अ पंच. तो आई थिंक मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो फिजिकल सिर्फ सीखने के लिए नहीं है मार्शल आर्ट्स, वो आपको मेंटली एक स्ट्रेंथ देता है कि आप कभी भी हो किसी भी सिचुएशन में आपको पता है कि आप एक यू विल बी एबल टू गिव इट बैक, यू विल बी एबल टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ. तो मेंटल स्ट्रेंथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है व्हेन यू, इसलिए मैंने मार्शल आर्ट्स किया भी है. क्योंकि हाँ यार, लाइक शॉर्ट पेटी छोटी उनको बहुत होता है कि यार मैं एक मारूंगी भी इसको लगेगा थोड़ी. तो वो मेंटल स्ट्रेंथ आना बहुत जरूरी है. सो आई वुड डेफिनेटली सपोर्ट दिस फॉर एवरी गर्ल. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू. ऑलराइट, कितना प्राउड मोमेंट होता है जब बच्चों के साथ वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, कितना अच्छा लगता है? आज कितना एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा कि आज का दिन स्पेशली वुमेंस डे में बच्चों के साथ और इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के लिए मुझे आने का मौका मिला और ये सब कुछ देखने को मिला. बिकॉज जितना भी हम हर रोज़ बोलते हैं, जितना भी हम डिस्कस करते हैं, हम पढ़ते हैं, जो भी है, प्रैक्टिकली जब उसे होते हुए देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. ये एक ऐसा इनिशिएटिव है थैंक्स टू इशिता शर्मा एंड अहमद एंड मुक्कामार एंड एवरीवन हु गॉट टुगेदर फॉर दिस इनिशिएटिव. ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि
कुछ बच्चों के लिए हो रहा है, कुछ बच्चियों के लिए हो रहा है यहाँ पर, उन्हें यू नो फॉर रियल एक एम्पावर किया जा रहा है. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये सारी बच्चियाँ अब उस तरीके से कैपेबल हो पाएंगी कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके. आज भी विलेज या रूरल एरिया में हम जाते हैं तो लड़कियों को घर पढ़ाई करने भेजना, स्टडी करने भेजना, उनकी थिंकिंग है कि क्या करेंगे बच्चे आगे तो शादी नहीं होगी. अभी भी विलेजेस में ऐसी थिंकिंग है जी. उनके आपको क्या विचार? ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट यू नो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट क्योंकि सिर्फ रूरल एरियाज़ में नहीं, माने या ना माने हम सिटीज़ में भी ये होता है. चाहे वो दिल्ली जैसी मेगा सिटी हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे वो बेंगलोर हो, बहुत सारी जगह पर ये होता है. बिकॉज येस ऑफकोर्स इतना डिफरेंस है कि बिल्कुल पढ़ने को नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है. गर्ल्स गेट टू स्टडी, बट अगर वो आगे पढ़ना चाहती है, फॉर एग्जांपल मास्टर्स करना चाहती है, पीएचडी करना चाहती है, कुछ और परस्यू करना चाहती है, तो उन्हें रोक दिया जाता है और उनकी शादी करा दी जाती है. बोला जाता है कि क्या करना है इतना पढ़ के, आपको तो घर चलाना है ना, शादी करके बच्चे पैदा कर. सैड पार्ट इज़ कि ये सब कुछ अभी भी प्रेवलेंट है, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो हम सब हो, चाहे वो ऐसे प्रोग्राम्स हो, हम सब कहीं ना कहीं अपना एक यू नो योगदान दे रहे हैं ये चीज़ को जड़ से उखाड़ कर फेंकने में. और हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी में कि हम अगर हमारे आसपास ऐसा कुछ देखते हैं तो उसे बढ़ावा ना दें, उसे प्रोत्साहन ना दें और इनफैक्ट उसे चेंज करने की कोशिश करें. इस तरह के इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो और आपने उस दौरान पे क्या किया? जब मैं बहुत छोटी थी, जब समझ में भी नहीं आता था कि अच्छा ये जो सीटी बजाई जा रही है ये गलत है, या ये जिस तरीके से हूटिंग बोलते हैं या जो जिस तरीके से चिल्ला के बोलते हैं या ओए होए या कुछ करते हैं, जब समझ भी नहीं आता था कि ये चीज़ गलत है, तब मेरे साथ ये हुआ था. एंड उस वक्त रियलाइज़ नहीं हुआ एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि उसके बाद ऐसा नहीं, मौका नहीं आया है कि मुझे ऐसी किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है. बट दुख होता है कि आज भी हर जगह, चाहे वो रूरल एरिया हो या चाहे हमारे शहर में हो, लड़कियों के साथ होता है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो बाज़ार में हो, चाहे वो बस में हो, ट्रेन में हो, उसका सामना. आई थिंक सबसे पहली चीज़ ये कि हर लड़की, हर औरत जो बाहर स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, काम करने के लिए जाती है, उन सबको अपने साथ एक छोटा सा पेपर स्प्रे मिलता है, वो रखना चाहिए. एक छोटा सा जो स्विस नाइफ होता है वो रखना चाहिए, ताकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनकी तुरंत डिफेंस के लिए काम आएंगी. और सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए. कुछ सेल्फ डिफेंस अगर पूरी तरह से मार्शल आर्ट्स या किकबॉक्सिंग नहीं भी आता है, कोई बात नहीं, कुछ तरीके होते हैं जिस तरीके से अगर आपको कोई जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, तो आप अपने आप को छुड़ा के भाग सकती हैं. कुछ चीज़ें, इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि समाज चेंज होने में और लोगों की जो मेंटालिटी है वो चेंज होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा. तब तक हम अपने आप को उतना स्ट्रांग बना दें कि किसी की ताकत ना हो कि आपको इस तरीके से छेड़ पाए. बॉलीवुड इंडस्ट्री, बॉलीवुड फिल्मों का काफ़ी हाथ रहा है इन 2016-17 में, इस तरह की वुमेन एम्पावर की फिल्में आई हैं. ऑफकोर्स मीडिया एज एन एंटरटेनमेंट, चाहे वो टीवी हो, फिल्म्स हो, और हमारी जो सोसाइटी है वो इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से प्रोत्साहन लेते रहते हैं. जो रियल लाइफ में चीज़ें होती है उसे हम वहीं से कहानियाँ उठाकर हम टीवी पर पर्दे पर दिखाते हैं. और ऐसा भी होता है कि पर्दे पर जो चीज़ें होती है वहाँ से भी हम बहुत कुछ सीख पाते हैं, चाहे वो डांस हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो डायलॉग बाजी हो, चाहे वो कुछ भी हो. तो मैं बहुत खुश हूँ कि पिछले 3 सालों में ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी हैं जिसमें औरतों को सबसे सेंट्रल कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया गया है. एंड उन फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है हम सबको और बाकी जितनी भी औरतें हैं उनको ये रियलाइज़ कराने में कि औरतें उतनी इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी में जितने मर्द. तुम्हारी सुल्लू द लेटेस्ट फिल्म. थैंक यू सो मच. थैंक्स. एक सेकेंड. हाय कुमार, हाय. It's a very great time to celebrate a women's day with the children and how is it
going? Kitna maza aa raha hai dono? It's going fantastic. I'm very thankful to my friend Kritika who came for the event. She's been wanting to see the girls since a very long time, and finally we had something which was, you know, which everybody honestly wanted to make time for. So, but I still want to thank you. No, shut up. No, every day, you know, everybody today, even I have tweeted that everybody's been saying that we celebrate Women's Day only on one day, only one day we celebrate womanhood. But I want to tell everybody that Ishita is somebody who does this every day. So, hum ye aaj kar rahe hain, this mukamar function we are doing today, we are attending today. But Ishita is actually teaching these kids pichle kitne saalon se? 2006, Feb. So it's been about basically, 2 years now. जो छोटे छोटे बच्चे हैं एंड ये जिस बैकग्राउंड से आते हैं कि वो उन बैकग्राउंड से नहीं आते कि ये क्लास समझ के नहीं आ रहे हैं, दिस इज़ नॉट स्कूल फॉर देम. शी डजंट टेक एनी मनी. सारी जो हेल्प है उनके पेरेंट्स को कन्विंस करने से लेकर उनको क्लास में लाने तक, उन्हें कॉम्पिटिशन में भेजने तक, ऑल दैट इज़ डन बाय इशिता. सो शी इज़ लिटरली एम्पावरिंग आई थिंक अ लॉट ऑफ वीमेन ऑन अ डेली बेसिस एंड वी आर ऑल ओनली टॉकिंग अबाउट इट. हम आज भी आके इस बारे में सिर्फ बातें करके जा रहे हैं, बट शी इज़ एक्चुअली doing something about it, or action jo hai wo Ishita kar rahi hai. So I am very proud of you, but it really matters, because I'm telling you which is why I'm thankful that the kids really appreciate seeing somebody they know, kyunki unke liye aisa hota hai ki, you know, they have idolized this person on screen. Like when Dangal came out, all the girls, I used to tell them ki tum acche se punch nahi kar rahe ho, acche se nahi kar rahe, and they said didi wo Dangal ki tarah karna hai kya. So I was like, हाँ वैसे ही करना है. सो दैट्स वेन आई रियलाइज इफ समबडी दे लाइक एंड दे आइडलाइज कम्स एंड सेज इवन अ वर्ड टू देम, नो दे विल गो बैक एंड टेल देयर पेरेंट्स कि वो दीदी आई थी, उन्होंने ऐसा बोला, ये वाली दीदी ने ऐसा बोला, तो अब हम ऐसा करेंगे. आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, द राइट पीपल टॉकिंग अबाउट द राइट कॉज इज रियली इंपॉर्टेंट. ऑल्सो वी अंडर एस्टिमेट एंटरटेनमेंट एंड पॉप कल्चर. आई थिंक उससे बहुत फर्क पड़ता है. दंगल से सब लोग इंस्पायर्ड है, इवन दो इट्स अ फिल्म, इट वॉज मेड फॉर बिजनेस फॉर एंटरटेनमेंट, बट इट वॉज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री और एन एडुकेट, यू नो, लाइक अ फिल्म, बट इट हैड अ मैसेज. सो आई थिंक सच काइंड ऑफ इवेंट्स एंड जनरली वॉट वी डू ऑन टेलीविजन एंड टी वी ऑल्सो नीड्स टू समवेयर रिफ्लेक्ट दिस. I would also like to mention Girl Rising, which we saw today. Yeah. I think it was done brilliantly. We're aware of the movement. I mean, yeah. We're aware of all the actresses and everybody who's involved in it. But ye film maine bhi aaj pehli baar dekhi and it's quite touching. I believe iska ek Indian story bhi hai. Ye Nepal ki story hai. Ha, ek Indian story hai, but I thought. But this is the so. I'm not sure if this is something that must always be talked about, but the Indian story is a beautiful story about a father who is really nice and loving to his child. The problem is, a lot of people who I work with, their parents are not so sweet. They are not so supportive. Yeah, they're facing, you know, a lot of. They are facing a lot of different kind of trouble. So if you show them, to be precise, at exactly home. A yeah. lot of violence. And we certainly can't talk about it, because also child rights come into play and there's a lot of legality there that we can't do anything about. So the only thing we can do is show them a story where the girl is really down and out and she has nothing to do and still she comes up. And you then know? Still there's hope and yeah. yeah. So which is why we actually chose the Nepal story and not the India story. Okay. So it's been a very tough journey for you to spread awareness. I think tough and easy is a frame of mind. Today morning, I thought this event was really tough. But when I went on stage, I just had fun. So, like they say, it's not the destination, it's the journey. Sometimes, of course, there are times when you're like, oh, God, what is going on? I can't deal with this. And then other times, you know, when sweet little moment happen and the girl say, Didi, humne aaj ghar pe aisa kiya, ya hamare full marks aaye, ya any simple thing can bring joy into your life and give you validation, you know. So it's all part of the journey. It's tough, it's easy, it's fun. It's a growing process, so which is great. So is there any one incident which happened with you? Like we have seen the girls who are walking on road or in the auto, the boys. Oh yeah, yeah. There is not any girl. Let me tell you, कोई कितने भी अमीर गरीब किसी भी शहर से आता हो, कोई ऐसी लड़की आपको नहीं मिलेगी जिसने किसी तरह का you know some kind of जिसने कोई misbehavior अपनी life में नहीं देखा है. आई थिंक एवरीबडी इज सीन इट. आप बस में ट्रैवल करते हो या आप रोड पे या अपनी गाड़ी में और शीशा नीचे करते हो, वॉट एवर यू से एवरीबडी इज सीन इट. एंड आई हैव सीन बोथ दोज पार्ट्स ऑफ लाइफ ऑल्सो. आई हैव बीन दैट गर्ल हुज ट्रैवल्ड इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट
two today and I still have incidents. I remember once, you know, so you know this mostly crowded places are very tricky for girls na, matlab ki subah sham raat to bhul jao, it's just ki agar bahut sare log hai aur zyada aadmi hai to it automatically is a threat. So I'd once gone to see a dashera thing, okay, जहाँ पे रावण को जलाते हैं, राइट. तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और मैं छोटी बच्ची थी और मैं मतलब मैं गई थी एंड समबडी टच्ड मी इनअप्रोप्रिएटली एंड आई हैड अ बैग इन माय हैंड, सो आई जस्ट लाइक हिट हिम विद द बैग. आई डोंट नो लगा नहीं लगा, मैं बहुत छोटी थी, वो चला गया, कौन था, बट इट डिस्टर्ब मी फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. एंड आई कैन वी ऑल हैव मल्टीपल इंसिडेंट्स, तो कोई एक इंसिडेंट नहीं है. Which is why and I frankly ऐसी बहुत ये मुझे बहुत कोशिश करती है to you know to get me into a class, to get me to learn these things. I have to say, give me some credit, I'm a little better than what I was. That's and you know, in terms of taking fitness seriously and taking ये मैं थोड़ी सी better हो गई हूँ, but I you know as while growing up, which is what I wanted to say there also, a lot of us, especially girls, feel कि मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकती. आई डोंट थिंक वी रियलाइज द पावर दैट वी हैव इन आर सेल्व्स एंड द डे वी रियलाइज कि हाँ मैं कर लूँगी या हम एक बार उसको ट्राई करें, एनी थिंग फ्रॉम वट शी डज टू वट पूजा डज इज राइडिंग अ बाइक और एनी थिंग. यू राइड अ हॉर्स. या बट इज आई वॉज थ्रोन इन टू इट. सो वेंस यू आर थ्रोन इन टू अ सिचुएशन लाइक दिस यू लर्न. सो आई थिंक ऑल द अडल्ट्स ऑल्सो शुड समहाउ थ्रो दैट किड्स. आई थिंक इट शुड, यू नो, आई डोंट मीन दैट यू शुड फोर्स एनीबडी, बट माई पेरेंट्स हैव फ्रैंकली फोर्स मी फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट वर्कड आउट वेल फॉर मी. I think parents have so to sometimes be wise. You have to push your kids and people around you or your siblings and say ki jao ye try karo, or you so, have to find a mentor like I'll like see so, you in class. Yeah, I really hope so. Like I was going to say that who gets that push. You've seen Alex and you've seen his students, right? And they are fantastic. So I would say that for them, they find the strength in Alexa. He's the one who brings them there and motivates them. And same for me. I have been doing martial arts for about 3-4 years, I don't know. And my only motivation comes from him. Like, no matter how harrowed I am, I'll see Alex sir and he just stands there like this, you know, like one Iron Man or whatever. And I see him and I feel, wow, he's so strong. I want to be like him. You know, so the push doesn't necessarily need to come from the parents, and that's what actually we are also looking at. We learn a lot from Alex sir, and we try to emulate that teaching style into whoever we teach, so that with us we can find such a bond with the students that they keep coming to the class without anybody's push. They should want to do it. That's very important. That's the beauty of Mukka Mar. It's not like I'm saying it's not a hobby class. It's a class. It's not people or children from well-to-do families or people who have this as an option. It's actually people जो शायद अपने बच्चों को बोलते हैं कि एक घंटा ये मत कर, तू जाके काम कर ले, कहीं पैसे कमा ले, बट उनको भी कन्विंस करके ये करवाना और इस तरह से इनरिच करना इज, यू नो, हैट्स ऑफ. थैंक यू सो मच. गुड क्राई. इशिता मेरी बहुत पुरानी दोस्त है और मुक्का मार के बारे में मुझे काफ़ी पहले से पता था. मेरे अपने भी एक्टिंग के वर्कशॉप्स और हिंदी के वर्कशॉप्स होते हैं आमद में. तो मुझे यही कहना है स्पेसिफ़िकली पेरेंट्स के लिए कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हम छोटी छोटी लड़ाइयाँ करते करते बड़े बैटल हार जाते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए बच्चों की और फीमेल हाइजीन पे ध्यान दिया जाए. जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर भारती आई थी जो हमारी MLA हैं, उनका एक इनिशिएटिव मुझे बहुत अच्छा लगा. दे हैव उन्होंने सैनिटरी नैपकिन बैंक शुरू किया है. तो ये मैंने इससे पहले तो नहीं सुना था. तो क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है एक महिला की ज़िंदगी की जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसे अलग नहीं किया जा सकता. और उसके लिए ख़ास तौर पर शौचालय बन जाते हैं, विद्यालय बन जाते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर स्लम्स के बच्चे, वो लड़कियां क्या करें जिन्हें सैनिटरी नैपकिन ना तो पता होता है, अगर पता होता है तो उनके पास पैसे नहीं होते. तो ये उनका इनिशिएटिव मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ख़ुद भी पर्सनली उस इनिशिएटिव में भाग लेना चाहूँगी, क्योंकि पीरियड्स एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक महिला की ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्लम की लड़कियों तक वो हाइजीन नहीं पहुँच पाती. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगी बाकी सबसे कि इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करें. दूसरा, शिक्षा के विषय में ख़ास तौर पर लड़कियों की, कि शादियाँ वादियाँ तो हो जाती हैं, वो कोई इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप शिक्षित नहीं होते तो शादियां भी आप नहीं कर पाते जो आपकी की जानी चाहिए. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कोई भी ज़िंदगी की लड़ाई
हाथ पांव से नहीं लड़ी जाती, दिमाग से लड़ी जाती है. सो या काफ़ी बार हुआ. ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि नहीं हुआ. मैं छोटे से शहर से हूँ, कानपुर से, और वहाँ पर ईव टीजिंग बड़ी आम बात थी उन दिनों में. क्योंकि जागरूकता नहीं थी, क्योंकि शिक्षा नहीं थी. मेरे साथ जब ऐसा हुआ तो मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया था कि तुम बस मार देना, बाकी बाद में देख लेंगे. तो ये शायद उन्होंने इसी लिए सिखा पाया होगा क्योंकि उन्होंने ही हमेशा हमसे कहा था कि चाहे दो रोटी कम खा लो लेकिन पढ़ाई करो. लेकिन पढ़ाई करने से उनका मतलब ये नहीं था कि किताबें पढ़ ली और पास हो गए. पढ़ाई करने से उनका मतलब था आपके चारों ओर क्या हो रहा है, आपको कौन किस नज़र से देख रहा है, या आपको कोई हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है तो उस दौरान आपको क्या करना है. अगर आप मार भी देते हैं तो उसके बाद क्या. तो पढ़ाई के लिए इसलिए जोर दिया गया कि अगर आपको कोई ऐसा परेशान करता है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है. पुलिस कोर्ट कचहरी करनी है तो भी आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है वहाँ जाके. या अगर आपको पलट के सेल्फ डिफेंस करना है तो किस मौके पर कैसे सेल्फ डिफेंस करना है. थैंक यू. ग्लोबल एडवर्टाइजर for innovative outdoor solutions.